तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार जेई में पूछे गए हैं, और ये हमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो अलग अलग रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी का आइडिया होना चाहिए, और वेवलेंथ का, ठीक है ना। उसको आप रफली याद कर लो, क्योंकि जेई में बार बार पूछा जाता है। कहते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पावर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में है, और उसका जो पावर है वो दिया हुआ है 15 किलो वाट, प्रोड्यूस फोटोन पर सेकेंड। मतलब अगर सोर्स है कोई लाइट का, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट का सोर्स है, तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितना जनरेट करता है, यह आ जाएगा 16 फोटॉन्स पर सेकंड। यह रेडिएशन बिलोंग टू स्पेक्ट्रम। अब वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा भाई, गामा होगा, रेडियो होगा, माइक्रोवेव से अल्ट्रा वायलेट होगा, कि कौन सा होगा। तो भाई जो फोटोन आ रहा है, उस फोटोन की हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी, तब जाके हम पता कर पाएंगे कि वो जो फोटोन है वो किस स्पेक्ट्रम सीरीज से बिलोंग करता है। अगर उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से आती है तो विजिबल लाइट होगा, गामा रे के रेंज में आएगी फ्रीक्वेंसी तो गामा होगा, रेडियो में आएगी तो रेडियो होगा। बात आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखोगे, हम सबको पता है कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो ए एनर्जी ही है, और पर सेकंड अगर बात करोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू NhV, पढ़े होगे आप, ठीक है। एन फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है भाई, Hν, और एन फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, NhV, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो एन फोटोन की एनर्जी, यहाँ तो पर सेकेंड बात करोगे तो ये जो है NhV यहाँ आ जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू 1 सेकेंड चली जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहाँ से आ जाएंगे वो दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी न्यू, वो पावर अपॉन Hν के इक्वल आ जाएगा। तो पावर कितना, 15 किलो, किलो इंटू 10 की पावर 3 मेरे भाई। और यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6 × 10 की पावर-34 लेना, और मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, नहीं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ना भाई। तो यहाँ से तुम बात करोगे तो यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को उधर ले गए ना, तो फ्रीक्वेंसी इधर ही रहेगी। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन मुझे दिखेंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो कितना है, 10 की पावर 16, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे 10 की पावर 16, तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 2 टाइम्स में, 3 से कट गया 5 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 2.5। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। और इधर आ जाएगा तो 10 की पावर 3, और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 और ये 34, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 10 की 10 की पावर 18, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो 18 है वो प्लस चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5 × 10 की पावर 21। तो बेसिकली तुम देखोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा भाई, तो इतना जो हर्ट्स है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब तुम्हें ये बात कैसे पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी किस, इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी आई वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग करती है, तो तुम्हें याद होना चाहिए ये सारे। तो गामा रे जो होता है फ्रीक्वेंसी, अब गामा रे जो होती है गामा, तो गामा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन होती है 10 की पावर 19 हर्ट्ज़ से, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये अब गामा की फ्रीक्वेंसी इतने से अधिक होती, और ये 10 की पावर 19 से अधिक होती, और 10 की पावर 21 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज है वो गामा रे से बिलोंग करता है, और बाकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।